चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की भी ऑटो न्यूज नंबर 15। आज की सबसे पहली खबर आ रही हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। तो हीरो ने एथर के अंदर 420 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और अब वो हीरो मोटोकॉर्प जो है वो एथर एनर्जी का लगभग 34.8% स्टेक ओन करता है। बाकी दोस्तों, एथर जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर के मामले में काफी अच्छा काम कर रहा है और उनकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनकी परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल है। और डेफिनेटली एथर जो है इस फंड का यूज अपने आप को ग्रो करने के लिए करने वाला है। और दोस्तों, अगली खबर आ रही ओला की तरफ से। ओला की स्कूटर जो S1 है उसको अगर आपने प्री ऑर्डर या बुक किया हुआ है तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। ओला ने बहुत सारे लोग जिन्होंने केवल S1 को प्री ऑर्डर किया था उनको अभी ईमेल भेजा है जहां पे उन्होंने ये बताया है कि जो S1 है इसका जो प्रोडक्शन है वो इस साल के लास्ट तक स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे उन्होंने रीजन ये दिया है कि ज्यादा लोगों ने S1 Pro परचेस किया है जिसकी वजह से वो प्रायोरिटी दे रहे हैं S1 Pro बायर्स को और अभी के लिए वो S1 की जो प्रोडक्शन है उसको पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। और इस चीज की वजह से जिन्होंने भी S1 बुक किया है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका रिस्पॉन्स क्या है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पे जिन लोगों ने S1 को बुक किया है यहाँ पे ओला जो है उनको S1 Pro पे अपग्रेड करने का ऑप्शन भी दे रहा है लेकिन उसके लिए उन्हें 30,000 रुपए और पे करना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर ओला इससे रिलेटेड क्या अपडेट देता है, क्या वो प्रोडक्शन इसका कुछ अर्ली स्टार्ट करते हैं या उन्होंने जो अपडेट शेयर किया है इस साल के लास्ट में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, क्या ये उसी पे स्टिक रहने वाले हैं, ये हमें आने वाले टाइम के अंदर पता चल जाएगा। और अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी ये अपडेट आएगी हम आपको उसको डेफिनेटली बताने वाले हैं। और दोस्तों, अगली खबर आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी जो है अपनी कार सुपर प्राइस इंक्रीज करने जा रहे हैं, मतलब प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं 4.3% से। तो मारुति सुजुकी की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर प्राइस बढ़ने वाला है। और दोस्तों, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो एक्सपोर्ट है फोर व्हीलर का वो लगभग 46% इसके अंदर इंक्रीज आया है और इसके अंदर जो मारुति सुजुकी है वो लीडर है। तो मतलब मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा गाड़ियां इंडिया से एक्सपोर्ट की हुई है। और दोस्तों, अगली खबर आई टेस्ला की तरफ से। तो आपको पता है कि टेस्ला काफी टाइम से इंडिया के अंदर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट की टैक्सेस और ड्यूटीज की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट काफी भयंकर वाला टैक्स लगाती है अगर कोई कंपनी अपनी कार को मैन्युफैक्चर करके इंडिया के अंदर बेचना चाहती है तो। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप हमारे यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाइए, हम आपको सारा डिस्काउंट देने वाले हैं। लेकिन टेस्ला ये बोल रहा है कि आप पहले हमें ग्राउंड रियलिटी चेक करने दीजिए, उसके बाद हम अपनी फैक्ट्री लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने टेस्ला को इनवाइट किया है और उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे पास आके अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और आपको जो भी चीजें चाहिए हम सारी चीजें देने वाले हैं, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु और मुंबई ये 3 स्टेट हैं जिन्होंने टेस्ला को इनवाइट किया हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है कि टेस्ला इंडिया के अंदर कब तक आने वाला है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगली खबर आ रही ऑडी की तरफ से। तो सन 2021 के अंदर ऑडी ने लगभग 80,000 अपनी इलेक्ट्रिक कार को सेल किया। सीरियसली ये नंबर काफी बड़ा है। अगर आप इस नंबर को 2020 से कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर 49% या 50% की ग्रोथ ऑडी ने अचीव की हुई है जो कि काफी बड़ी बात है। और इसी के साथ दोस्तों, जो ऑडी की Q3 फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च होने वाली है इसके कुछ स्पाई इमेज निकल के आ चुके हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बाकी जो Q3 2022 वेरिएंट है ये आपको काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ऑटो न्यूज खत्म होती धरी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो।